हाय व्हाट्स अप गाइस, आई होप कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे और एकदम खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज था संडे एंड संडे वाज आल्सो वेरी बिजी डे। तो इस समय थोड़ा सा मैं फ्री हुई हूँ बिकॉज ऑफ मेरे जो बच्चे हैं वो शाहरुख खान की कोई न्यू मूवी है उसको देखने के लिए गए हैं विद डैडी, और वो छोटी वाली भी गई है एंजल। तो मैं अकेली हूँ घर में, अम्मा है साथ में। तो अपना कुछ काम फिनिश किया है मैंने, कल एक्चुअली स्कूल में बच्चों का सेट का एग्ज़ाम है, निपुण भारत उसका एग्ज़ाम है। तो उसके लिए मुझे कॉलिंग भी मैंने स्कूल मतलब कॉलिंग की है कुछ बच्चों को कि घर कल स्कूल कल एबसेंट ना हो। फिर और थोड़ा सा काम किया, फिर घर का तो काम चलता ही रहता है, वो तो कभी एंड ही नहीं होता है। और अभी बैठी हूँ मैं आपसे टॉकिंग शॉकिंग करने, देन चलिए उसी मैंने कविता लिखी थी, मैं आपको भी कविता सुनाऊंगी, तब तक मैं अपना कुछ पढ़ लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली प्रतिदिन अपने भगवान को याद करती हूँ और भगवान की पूजा करूँ, मतलब मंदिर में पूजा करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं दिन भर अपने ईश्वर को, अपने भगवान को जिसको मैं मानती हूँ, उनको प्रतिदिन थैंक यू बोलती हूँ। बिकॉज ऑफ माय लाइफ मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन से और मुझे मैं संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से और मुझे किसी बिल्कुल अपनी लाइफ में कोई शिकायत नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास सब कुछ है और ईश्वर से जब जब मैंने जो जो मांगा है वो मुझे हमेशा मिला है। तो मैं हमेशा थैंक यू गॉड बोलती हूँ, भगवान की शुक्रगुजार हूँ। भगवान ने मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा दिए और मेरी बहुत अच्छी फैमिली है जिसको मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा रहूँगी। और छोटी मोटी चीज़ों से मैं कभी निराश नहीं होती हूँ, मैं उससे बहुत ऊपर हूँ, जितने भी अप डाउन से वो नीचे है और मैं उसके ऊपर हूँ। हाँ माँ, सब्जी किसी चीज़ में ब्लॉगे में कर दीजिए, हाँ आ जाएगी, हाँ थोड़ी सी है। तो मैं बहुत खुश हूँ और हमेशा रहूँगी और मैं स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, जो कि मैं वो भी रहूँगी हमेशा। और बस भगवान मुझे ऐसे ही रखे और ईश्वर को मैं दिन भर धन्यवाद कहती हूँ फॉर एवरीथिंग। मेरे मम्मी पापा बस जहाँ मम्मी जहाँ भी हमेशा खुश रहे, पापा स्वस्थ रहें और कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। और तो फिर ये तो मेरा दिन भर चलता है यार, गॉड में बहुत शक्ति है, वो तो आपको पता ही है, शक्ति है सब साथ ही। गॉड सुनता है, लिसनिंग, वो हमेशा हमें सुनते रहते हैं, हमेशा हमें सुनते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को भी सुनते हैं, बुरी चीज़ों को भी सुनते हैं, वो हमेशा वॉच करते हैं। और मेरी तो 100% भगवान ने इच्छाएं पूरी की हैं, जो भी मैंने मन से मांगा है वो मेरी 101% मेरी इच्छाएं पूरी की हैं। और भगवान हमेशा मुझे सुनता है, हमेशा मेरी बात मानते हैं। तो आई लव गॉड वेरी मच, वो गॉड जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है उसी गॉड की मैं पूजा करती हूँ जो निराकार है। आई लव गॉड। चलिए ये तो हो गई मेरी पूजा की बात। और बात कर रही थी हम मुझसे, मैंने पोएम लिखी थी ना, मैंने आपको बताया था कि 5th of September टीचर्स डे के लिए मैंने एक कविता लिखी थी, तो वो कविता मैंने सुनाई नहीं थी, तो मैं चलिए अभी आपको वो कविता सुनाती हूँ। चलिए तो मैं कविता सुनाती हूँ, उसके लिए मुझे चश्मा आँखों पर पहनना पड़ेगा, नज़र का चश्मा, क्योंकि मेरी जो पास वाली आई साइड है थोड़ी सी वीक है, जो मुझे रीडिंग और राइटिंग के टाइम लगाना पड़ता है। तो ये मेरा चश्मा है, इसको मैं भी क्लीन करके इसको मैं लगा लेती हूँ। तो मिसेस टीचर अभी थी अब मैं टीचर बन गई हूँ। सुनिए, अभी मैंने इसको करेक्शन एक्चुअली देखी, ये मैंने लिखी तो थी तो कटिंग तो करनी पड़ती है ना, पोइट्री आप लिखेंगे तो उसमें कुछ कटिंग हो जाती है, बिकॉज कभी कुछ टाइम में चेंजेस करना पड़ते हैं क्योंकि ठीक से बैठती नहीं है। तो अभी इसको वैसे ही लिखी है, मैंने इसको करेक्शन नहीं किया है। गौर फरमाइए, माता पिता के बाद
जिससे होता बालक का गहरा नाता। माता पिता के बाद बालक कह लीजिए या बच्चा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वह कोई और नहीं परम गुरु शिक्षक कहलाता, जिसने स्वर और व्यंजन की पहचान करा, अक्षर पर मात्राओं की माला चढ़ा, हमें हिंदी में निपुण बनाया है, वही शिक्षक तो महान कहलाया है। शून्य के महत्व को जिसने पहचाना, फिर अंकों के जादू से जोड़ घटाओ गुणा भाग सिखाया, दैनिक जीवन में इससे हानि और लाभ बताया, वही शिक्षक तो महान कहलाया। ये आगे की जो पंक्तियां हैं विज्ञान के उन महान महारथियों के लिए हैं जिन्होंने विज्ञान को आज नया आयाम दिया है। साइंस से हम लोग सब वाकिफ हैं, ईश्वर के पास साइंस ही है जो जो नई नई चीज़ें कर सकती है विज्ञान। तो विज्ञान की नई परिभाषा लिख, विज्ञान की नई परिभाषा लिख, धरती से गगन की दूरी को मिटाया, विज्ञान की नई परिभाषा लिख, जिसने धरती से गगन की दूरी को मिटाया, ग्रहों पर नित नई खोज कर ब्रह्मांड के अनगिनत राज को बताया, वही शिक्षक तो महान कहलाया। अग्नि पृथ्वी त्रिशूल और आकाश, अग्नि पृथ्वी त्रिशूल और आकाश जैसी मिसाइल बना, अब्दुल कलाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी खुद मिसाइल मैन कहलाया, जिसने चंद्रयान 3 विक्रम को चंद्रमा पर उतार, अद्भुत कीर्ति मान रच नया इतिहास रचाया, वही शिक्षक तो महान कहलाया। अब और क्या लिखूं गुरु की गरिमा के लिए, अब और क्या लिखूं गुरु की गरिमा के लिए, ये तो निरंतर चलने वाला प्रयास है जिससे हम नया भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कच्ची कच्ची कोपल को अपने मेहनत के खून पसीने से सींच रहे हैं। मैं ऐसे सभी गुरुओं को नमन करती हूँ और एक अच्छी शिक्षिका बनने का प्रण करती हूँ। मैं भी कुछ नया मैं भी कुछ नया करने का प्रण करती हूँ। महान ना सही बस एक आदर्श शिक्षिका कहलाऊं, यही करने का दिन रात प्रयत्न करती हूँ। थैंक यू गॉड टू थैंक यू एवरीवन एंड जय हिंद जय भारत। तो हमारा काम बच्चों को पढ़ाने का है, उनका भविष्य संवारने का है, तो जो कि मैं निरंतर प्रयास करती हूँ और मैं सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। सारे बच्चे मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जिस दिन मैं स्कूल ले जाती हूँ मैं अपने बच्चों को मिस करती हूँ, और जब मेरी ड्यूटी कहीं और, जैसे कि अभी 2 डेज की ड्यूटी मेरी कहीं और लगी हुई है, कल और परसों मैं किसी और स्कूल में जाऊँगी एज अ पर्यवेक्षक निरीक्षण करने के लिए। तो अब कल दोनों दिन मेरे बच्चे वहाँ रहेंगे स्कूल में मेरे बगैर, तो मुझे मैं उनको मिस करूँगी और मैं मिस करती ही हूँ। हालांकि मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं 2 डेज नहीं आऊँगी, बाहर रहूँगी, तो सब समझा दिया उनको एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप कि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा, आई विश, और मैं प्रेयर करती हूँ कि उनका एग्ज़ाम, सब बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो आपको कविता कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टिल देन बाय। अभी मैं आपको एक गाना सुनाऊंगी, उसके बाद जाइएगा। अभी बच्चों के आने में बहुत टाइम है, अभी हम लोग बात कर सकते हैं, सोच लूँ गाना अच्छे से। Enjoy this song. Thank you.
क्या करता ऐसे ही आगे बढ़ता, मेरे प्यार के लिए तड़पता उम्र भर। कुशल मंगल से होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे। इंजू भी देखिए, इंजू क्या पहनते हैं? ये तो क्या पहने, कौन सी ड्रेस पहने? ये मम्मा का ब्लाउज पहनी है। नहीं मतलब मम्मा का नहीं, अपनी बेबी का ब्लाउज पहनी है, क्यूट सा पिंक कलर का। ये इनका ड्रेस है। हाय तो कर दो गाइस। हाय गाइस, कुछ आप कैसे हैं? हम कैसे हैं? कितना मेरा ब्लाउज अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं हाँ। दिखा दो हाथ से पानी। तो इन्होंने आज मेरा ब्लाउज पहन रखा है, इनको कुछ भी मिल जाता है पहन लेते हैं। वो दिख रही है, देखिए बैठी हुई है। मम्मा, बीबी